जिन हसास हालात में पाकिस्तान एक बहरानी कैफियत कभी खित्ते में होती है, कभी दुनिया में होती है, खारजी उमूर में होती है, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से होती है, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ एक गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की सूरत हाल है, उसमें आपने देखा है कि पाकिस्तान अपना रास्ता निकालने की कोशिश करता है। इस रास्ते में PTI इस वक्त हायल हो रही है, इस रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के रियासती अमूर को बंद गली में डालने की कोशिश हो रही है, लोगों के जज्बात से खेला जा रहा है। जलसों में, जुलूसों में बहुत सारे लोग जो अखबार तक रसाई ना रखें या सच से या हकीकत जान ना पाए, ना कभी शायद वो देख सकें किसी का बयानिया, उनको कायल किया जा रहा है कि जी हम मुल्क से वफादार हैं, बाकी सब गद्दार हैं। इसमें जो हमारे होते हुए फैसले, उनके होते हुए उनकी हुकूमत में फैसले हुए, ये नहीं कि हमारी हुकूमत में फैसले हुए हैं, उनकी हुकूमत में उनकी नाक के नीचे फैसले किए गए। तीन तीन हफ्ते ऐसे टेलीग्राम उनके अकॉर्डिंग टू देम, उनके बयाने के मुताबिक वो टेलीग्राम 7 तारीख को आया था, तो भाई आपने 3 हफ्ते बाद जलसे में क्यों लहराया? आप फौरन अगले दिन सफीर को बोले, इसका तरीक़ेकार होता है, अगले दिन सफीर को बुला के उनका डेमार्श करते।